गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 17 मार्च है। आज आनंद रस रत्नाकर के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री हम लोगों के लिए प्रसाद रूप में ये पृष्ठ मानो देने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से श्रद्धा भक्ति के सिद्धांत को लेकर महाराज श्री ने जो चर्चा की है, तो ऐसा कोई श्रद्धा भक्ति वाला चरित्र हमको सुनने को मिले तो उससे हमारी भक्ति हमारी श्रद्धा में और बल मिलता है। तो इसलिए संत कहते हैं कि भक्त चरित्र संत चरित्र सुनने चाहिए। आज के पृष्ठ में श्रीमद् भागवत महापुराण का अति प्रसिद्ध वृत्रासुर का प्रसंग है, और इस प्रसंग की विशेषता ये है कि ये असुर था, ये कोई देवता अथवा मनुष्य नहीं था। जैसे हम प्रह्लाद जी के बारे में कल मैंने संकेत किया था, तो भगवान जो हैं वो ये नहीं देखते कि ये देवता है या असुर है या मनुष्य है या पशु है या पक्षी है। वे उस प्राणी का भाव देखते। तो वृत्रासुर का जो प्रसंग सुना राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के श्रीमुख से, तो उन्होंने वहाँ प्रश्न किया है कि ये असुर होके इसको इतनी गजब की भक्ति, क्योंकि आज का पृष्ठ और कल का पृष्ठ दोनों में वृत्रासुर का वर्णन हम सुनेंगे। वल्लभ संप्रदाय में वृत्रासुर द्वारा जो 4 श्लोक बोले गए रणांगण में, उसकी बहुत प्रसिद्धि है। वल्लभाचार्य ने बड़े विस्तार में उस पर टीका की है और बताया है कि इन 4 श्लोकों में क्या रहस्य है। वृत्त चतुष्टयी नाम से, जैसे भागवत का जो 4 श्लोकों में द्वितीय स्कंद में प्रसिद्धि है, वैसे ही वल्लभ संप्रदाय में वृत्त चतुष्टयी के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है। तो वो 4 श्लोक कल के पृष्ठ में आवेंगे। आज के पृष्ठ में महर्षि हमको बताने जा रहे हैं कि वृत्रासुर की सोच क्या थी। तो जब राजा परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा, तब फिर सुखदेव जी ने उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि ये वृत्रासुर ही राजा चित्रकेतु था। तो कथा आप सब लोगों को पता है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। आज का पृष्ठ है, भगवान उसी का पक्ष लेते हैं जो उनका भजन करता है। तो वो जो चित्रकेतु था, वो तो नारद जी की और अंगिरा ऋषि की कृपा से उसको तो संकर्षण भगवान का जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया था, परंतु हमारे सूरत वाले शर्मा जी को ये प्रसंग बहुत पसंद है। अभिमान के कारण, यानी अब वो जो विमान उसको मिल गया था, तो वहाँ कैलाश में पहुंचकर और वहाँ अपनी बुद्धि लड़ाने लगा कि ये जो है भगवान शंकर, ये गोद में लेके पार्वती जी को बैठे हैं, सब देवता देवी देवता बैठे हैं, सत्संग चल रहा है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ के नियम अलग होते हैं,
देवताओं के यहाँ नियम अलग होते हैं। आप यहाँ भारत में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड ड्राइव, हाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव, अमेरिका में राइट हैंड ड्राइव, है ना। तो वो बेचारा चित्रकेतु, यद्यपि भगवान शंकर तो उसकी टीका टिप्पणी से उनको विचलन नहीं हुआ, पर माँ पार्वती उन्होंने शाप दे दिया। वहाँ ये भी वर्णन आया है कि वो शाप से बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, यानी उसकी चित्रकेतु की भक्ति वहाँ पर भी बड़ी सुदृढ़ है। उसने वहाँ भी स्पष्ट कह दिया कि हमने तो अपने धर्म की मर्यादा के अनुसार ये कहा है, पर ठीक है, आप शाप दे रही हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। वही चित्रकेतु वृत्रासुर बना। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि देखो, वृत्रासुर की कथा बड़ी लंबी है। वृत्रासुर का ये बड़ी लंबी है ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भागवतामृत ये जो प्रवचन हुए थे बिरला मंदिर में हुए थे। 15 दिन में, यानी 1 घंटा या शायद 1.5 घंटे में, 15 दिन में भागवत पर बोलना था। तो वो भी बहुत अद्भुत प्रवचन है, पर वहाँ पर किस प्रसंग का विस्तार करना है, किस प्रसंग को संक्षेप में लेना है, वो तो महापुरुष लोग ही जानते हैं। तो इसलिए यहाँ भागवतामृत वाली कथा में कह रहे हैं, दिल्ली में जो कथा हुई थी, कि देखो वृत्रासुर की कथा बड़ी लंबी है। इस प्रसंग को हमने भागवत दर्शन में से भी लिया है, जो बनारस में कथा हुई थी। तो कुछ बातें आगे चल के जो वहाँ भागवतामृत में महर्षि ने संक्षेप के कारण नहीं ली, वो हमने जो पाक्षिक कथा हुई आनंदमयी माँ को जो महर्षि ने भागवत सुनाई, तो इसलिए दोनों को मिलाकर ये प्रसंग आज का है। तो वहाँ कह रहे हैं कि वो जो कथा है वो तो बड़ी लंबी है, तो वृत्रासुर का इसलिए संक्षेप में ही महर्षि बता रहे हैं, और हम भी ये पृष्ठ संक्षेप में कर रहे हैं। तो इसलिए वृत्रासुर का इंद्र के साथ बड़ा भीषण और लंबा युद्ध हुआ। जब भी युद्ध के प्रसंग आते हैं ग्रंथों में, तो वहाँ बड़ा विस्तार में उसका वर्णन होता है। तो इसी लंबे युद्ध के प्रसंग में वृत्रासुर ने पहले इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये आप ध्यान रखिएगा कि 2 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध में इसकी जीत हुई है। हम लोगों को संस्कार है द्वितीय युद्ध के, जिसमें वो मारा गया। तो प्रथम युद्ध की पहले चर्चा कर रहे हैं महर्षि। वहाँ पर तो ये सब देवता लोग हार गए। पराजित देवता लोग बड़े दुखी होकर विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने उनको अपनी कष्ट कथा सुनाई। देवताओं की विशेषता ये है, और हम लोगों को भी ये कहा जा रहा है देवताओं के, कि वो हर बार जब कष्ट में आते हैं तो विष्णु के पास जाते हैं। तो हम लोगों पर भी जब कष्ट आवे तो इधर उधर संसार के लोगों में या है ना, इधर उधर उसका समाधान न खोजे, सीधे ठाकुर जी के पास। विष्णु भगवान तो भक्त पक्षपाती हैं, वे भगवान धर्मराज की तरह पाप पुण्य का न्याय नहीं करते, वे तो उसी का पक्ष लेते हैं जो उनका भजन करता है। कल आप लोग पहुंच गए थे पूरी शंकराचार्य जी के प्रवचन में, तो एक वाक्य वो बोल रहे थे, आप लोगों का ध्यान गया होगा। भारत के लोग 2 पैसे मारे गए, आप लोगों ने सुना कि उसके पहले हो गया था, कौन से 2 पैसे? परमात्मा और प्रारब्ध। बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्या की कि ये परमात्मा और प्रारब्ध जो है व्यष्टि के लिए, ये जो भी भारतीय है वो उसके लिए, उसको परमात्मा और जो प्रारब्ध है उस पर वो निर्भर नहीं रहता, पर समष्टि में कोई घटना घट रही है तो वो क्या कहता है कि वो परमात्मा कर रहा है, वो प्रारब्ध है व्यक्ति का, इसलिए वो कष्ट पा रहा है। अपने लिए वो कहे कि चाहे बाबा हो चाहे बाबू, 24 घंटा भी कोई व्यक्ति
परमात्मा और प्रारब्ध पे अपना जीवन नहीं छोड़ता। बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई अपने लिए तो कोई भी कष्ट है तो मुझे ही निवारण करना पड़ेगा, परमात्मा थोड़ी करेगा। इसीलिए कल मैं समझा रहा था कि गीता में सूरत वाले शर्मा जी तो बाद में आए, तो गीता में जो इस बार 8वें अध्याय में बात बताई महर्षि ने अनन्य चेता, तो उसमें यही बात बताई कि अनन्य चेता हम कब बनेंगे, उसकी कक्षा है। सीधे अनन्य चेता कि भाई जैसे महर्षि थे, उड़िया बाबा थे, वैसे हम भी हैं, है ना? ये बहुत बहुत बड़ी भ्रांति वेदांती लोग पालते हैं, जो कच्चे वेदांती हैं, क्योंकि उनको बता दिया जाता है कि भाई तुम ही ब्रह्म हो। तो महर्षि ने वहाँ समझाया कि अनन्य चेता बनने के लिए ये परमात्मा और प्रारब्ध पे जो बात बताई स्वामी जी ने कल, पूरी शंकराचार्य जी ने, कि कोई अपने व्यष्टि जीवन को तो परमात्मा और प्रारब्ध पे छोड़ता नहीं है, पर गाय कट रही है, गायों का प्रारब्ध है, है ना? कोई और कुछ हो रहा है, बोले कि तो परमात्मा जैसा चाहेगा वैसे ही होगा। तो समष्टि के लिए जो इस प्रकार हम ये परमात्मा और प्रारब्ध का ये सहारा लेके और उसकी संगति लगा देते हैं, यही इसी को भारत में मार दिया, इसी से भारतीय लोग मारे गए। विदेश में देखिए, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, भले वो भोग भूमि है। शर्मा जी भी और आप लोग भी विदेश जाते रहते हैं, तो उनकी विशेषता हम लोग ग्रहण नहीं करते। हम जब स्विट्जरलैंड में थे, बिल्कुल सड़क एकदम खाली थी, सुबह का समय था, कोई ट्रैफिक है ही नहीं, और वो माता जी खड़ी थी। क्यों? क्योंकि क्रॉस करने के लिए जब तक वो लाल लाइट ख़त्म नहीं होगी, हरी लाइट नहीं आएगी, तब तक वो क्रॉस नहीं करेगी। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भाई रोड खाली है, मीलों तक दिख रहा है, मीलों मतलब काफ़ी लंबा दिख रहा है कि कहीं कोई गाड़ी इधर से उधर से आ ही नहीं रही है। पर देखिए क्या संस्कार हैं। तो कहने का अर्थ है कि उनकी अच्छी चीज़ें तो हम नहीं ले पाए, पर भोग भूमि है और उनकी जो कल्चर संस्कृति में जो स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता भी कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, कैसे वो लेते हैं, उसका भी कोई ज़्यादा हमको ज्ञान नहीं है। हमको तो लगता है कि बस यही ठीक है जो वो करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कल। तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि जब हम ठाकुर जी को अपने कष्ट का निवेदन करेंगे, तो विष्णु भगवान तो भक्त पक्षपाती हैं। तो भक्त पक्षपाती का अर्थ ये है कि ऐसा भक्त नहीं जो क्योंकि वो जा ही परमात्मा के पास रहा है, इसका मतलब वो अपना व्यष्टि जीवन भी और समष्टि जीवन भी वो ईश्वर से जुड़े हुए हैं। भले उसके जीवन में कुछ अर्थ को लेकर, काम को लेकर वो है। दत्तावधू जी ने बताया ना कि शिवाजी ने बहुत सारी चीज़ें भेज दी, वो तो परीक्षा कर रहे थे तुकाराम जी की। तो अब तुकाराम जी थे नहीं, वो तो भजन करने चले जाते थे, लौट के आए तो देखा कि बड़े गहने वगैरह पत्नी पहने हुई थी और क्या क्या दुनिया भर का है ना वहाँ देखा। तो बोले कि ये क्या है? बोले शिवाजी ने दिया है। बोले इसको तुरंत तुरंत उसको हटाओ, ये विष है। तो उसने कहा कि नहीं, हमारे लिए तो विष नहीं है। वो बताएं दत्तावधू तो बेचारी प्रापंचिक महिला थी, वहाँ के शब्द बड़े मज़ेदार हैं, प्रापंचिक महिला। प्रापंचिक महिला मतलब उसको इसमें रुचि थी। तो बोले नहीं, हमारे लिए ये विष नहीं है। अरे बोले सुनो, मैं बता रहा हूँ ये विष है। बोले आपके लिए विष होगा, हमारे लिए विष नहीं है। अरे बोले मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं पति होके और तुमको कैसे विष लेने दूंगा, उसको निकालो। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसे जो भक्त हैं, विष्णु भगवान तो भक्त पक्षपाती हैं, वे भगवान धर्मराज की तरह है, पाप पुण्य का न्याय नहीं करते,
वे ये नहीं देखते कि भाई इसके पाप हैं इसलिए अब भले ही आया है इसको पाप का फल भोगने दो, इसीलिए उसमें नाम वाले नाम महिमा वाले पृष्ठ में आया कि वो जो एक बार बोला कि मैं राम का नाम नहीं लूँगा उसको संत ने कहा कि अब इसको बेचना नहीं, और वो वहाँ पहुँच गया विष्णु के पास, और शंकर जी और है ना दुनिया भर के इंद्र और ब्रह्मा जी और यमराज सब वो चारों के चारों वहाँ विष्णु भगवान के पास जैसे ही पहुँचा विष्णु भगवान ने तो सोचा कि पालकी पे बैठा के लाए हैं बहुत बड़ा भक्त होगा, गले से लगाया और उसको अपने सिंहासन पर बैठाया। अब जब संवाद हुआ तो बोले कि अब इसका आप निर्णय करिए कि एक बार नाम लिया है और वो भी कहा कि मैं नहीं लूँगा राम का नाम नहीं लूँगा, इसका इसको क्या फल दिया जाए, क्योंकि राम का शब्द निकल गया वो राम। विष्णु ने कहा कि अब ये जो हमारे पास पहुँच गया है, अब देखिए उसके पूरा पूरा न्याय होता है ना, यमराज को और इन सबको न्याय करना पड़ता है। और क्या कह रहे महर्षि, विष्णु भगवान तो भक्त पक्षपाती हैं, वे भगवान धर्मराज की तरह पाप पुण्य का न्याय नहीं करते। कहने का अर्थ है कि वहाँ वो पहुँचा है विष्णु के चरणों में तो उसमें भी कुछ रहस्य है। ये नहीं समझना चाहिए कि भाई वो जो है इतना नास्तिक था और इतना पापी था तो विष्णु भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं है। उसके पूर्व पूर्व के जन्म में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण अब ये मिल रहा है। इसलिए गिरीशानंद जी कहते हैं कि अजामिल का ऐसा नहीं है कि वो बच्चे का नाम लिया और भगवान ने उस पर कृपा कर दी, वो पहले धर्मात्मा था। लक्ष्मी जी ने महाराष्ट्र ने सुनाया है, भागवत में ये नहीं है तो महाराष्ट्र ने सुनाया है कि लक्ष्मी जी ने कहा कि आप इस पर कृपा क्यों नहीं कर रहे, इतना धर्मात्मा ये अजामिल है। ठाकुर जी को तो सब पता रहता है ना, बोले अभी रुको हम इस पर कृपा करेंगे पर अभी रुको। देखिए वही धर्मात्मा दुरात्मा बना, बीच में जो घाटी मिली वो घाटी क्या है, घाटी शब्द हमारे पुरी शंकराचार्य जी उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि ये दुरात्मा वाली घाटी उसके जीवन में आई, पर वो जो धर्मात्मापने का वो जो उसका पुण्य था वो कहीं गया थोड़ी। अब देखिए वो संत आए और बोल दिए कि इस बच्चे का नाम नारायण कर दो। अब जब यमराज लेने आए तो नारायण का नाम निकला, पार्षदों का वो वही लेटे लेटे देख रहा था कि यमराज के उन लोगों ने पहले उसका प्राण निकालने की कोशिश की और फिर उतने में जैसे ही नारायण नाम निकला पार्षद पहुंच गए भगवान के और बड़ी उसने आपस में पहले तो उनकी पिटाई हुई और उसको प्राण वापस स्थापित कर दी। अब वो अजामिल लेटे लेटे देख रहा है कि आपस में संवाद हो रहा है, पिटाई खाने के बाद पूछा यमराज के दूतों ने कि आप भाई कैसे हमको जब ये मिला हुआ है अधिकार आप हैं कौन, तो उस संवाद में नहीं जाएंगे विस्तार में, परंतु वह महर्षि ने बताया है कि अब ये समय आ गया, भगवान को मौका मिल गया तो नामाभास से भी उसका कल्याण कर दिया। तो लगता तो है कि नामाभास से क्यों कल्याण कर दिया, वो धर्मात्मा था, दुरात्मा किसी कारण से बन गया, अब वापस वो महात्मा बन गया, क्योंकि उसके बाद उठने के बाद उसने कोई संपर्क नहीं रखा, न बच्चों से न वेश्या से, सीधे हरिद्वार चला गया। तो ये घटनाएँ हमारे जीवन में आती हैं, ठाकुर जी करते हैं। तो यहाँ ये लोग जब पहुँचे तो धर्मराज की तरह पाप पुण्य का न्याय विष्णु भगवान नहीं करते, वे तो उसी का पक्ष लेते हैं जो उनका भजन करता है। अभी इसी को आगे पैराग्राफ में महर्षि बता रहे हैं, निस्संदेह भगवान यदि अपने भक्त का पक्ष न लें तो भक्ति संप्रदाय का लोप हो जाएगा। इस बात को महर्षि बहुत बार कहते थे, भक्ति संप्रदाय चली इसी आधार पर रहा है कि भक्त का भगवान पक्षपात करते ही करते हैं, इसलिए भक्त को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। कैसी भी हो हमारी, कैसी भी भक्ति हो, मरी मरी भक्ति हो तो भी कोई बात नहीं, पर ये जो महाविश्वास जो है उसको हम जीवन में लाएं, इसके लिए ये सब सत्संग और कथा है। यदि भगवान अपने भक्त का भला न करें, उसकी सहायता न करें, उसको पाप ताप से छुड़ाए नहीं, दोष दुख से मुक्त न करें,
तो कोई उनका भजन क्यों करेगा? भक्त का भला, सहायता, पाप ताप से छुड़ाना, दोष दुख से मुक्त करना, है ना, भगवान के लिए, क्योंकि भगवान अपने को ही सब रूपों में देख रहे हैं। भगवान को ये नहीं दिख रहा है कि ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, वो तो स्वयं ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ना। सिद्धांत जो है हमारा वैदिक सिद्धांत, उस पर दृष्टि बनी रहनी चाहिए। तो इसलिए ये बात समझ में आ जाएगी कि वो तो चाह रहे हैं कि ये कुछ करे तो सही। तो जैसे ही हम माला उठाते हैं, इसलिए भागवत में एक श्लोक आया है कि जैसे ही व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं कथा सुनने जाऊंगा, उतने में ही भगवान उसके हृदय में अवरुद्धते, उसके अंदर, उसके हृदय में बैठ जाते हैं कि देखिए अब इसने जो ये संकल्प किया है कथा सुनने का, अब इसका मैं कल्याण कर पाऊंगा। क्योंकि कोई बहाना तो होना चाहिए ना भगवान के पास। इसीलिए विष्णु भगवान को अपने भक्तों का पक्षपात करना पड़ता है। अच्छा, देवते लोग इस बात को जानते हैं कि विष्णु भगवान भक्त पक्षपाती हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं जानते, पर उनका वो स्वभाव है, वो लोग नहीं जाएंगे विष्णु भगवान के पास। तो जब विष्णु भगवान ने देवताओं का कष्ट सुना, तब इंद्र से कहा, कथा आप सब लोगों को पता है कि तुम दधीचि ऋषि के पास जाकर उनसे उनके अस्थि मांगो, जब वे अपनी हड्डी दे दें तब उससे तुम वज्र बनवाना, उसी वज्र से वृत्रासुर की मृत्यु होगी। तो ये तो पहले से ही सुनिश्चित है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 77 पर है। परेशानी है कि 365वां पृष्ठ हम जब वहाँ पहुँचेंगे तब लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है, पहले से ही लिखा हुआ है। तो 365 नहीं, ये 77 के बाद जितने पृष्ठ है वो पहले से ही लिखे हुए हैं इस पुस्तक में। इसी प्रकार जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, हमारा जो आखिरी पृष्ठ है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि अब जहाँ जिस पॉइंट पे हम बैठे हैं वहाँ से लेकर और वहाँ तक की यात्रा में अब बातें बाद में लिखी जाएंगी। इसको कहते हैं प्री डेस्टिन, पूर्व निश्चित है ये। तो आप कहेंगे पूर्व निश्चित है तो फिर हमको कुछ करना ही नहीं है। नहीं, उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा वो भी उसमें लिखा है। तुमको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे इस मार्ग में आगे चलने के लिए, पर इस मार्ग में कठिनाई नहीं है, आनंद ही आनंद है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई इसमें तो बड़ा परिश्रम है, सुबह पहले उठ के मंगला आरती में, है ना, जिसके बाद स्वामी जी लेके पृष्ठ बैठ जाते हैं, फिर उनका कोई ऐसा हो गया कि बोलते हैं आधा घंटा, करते हैं पौना घंटा, तो ऐसा नहीं। ये तो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि आनंदमयी माँ कहती थी हरि कथा कथा और सब वृथा व्यथा। ये कथा जो है उतना ही हमारा समय सचमुच में सदुपयोग हुआ, अब जाके जैसे ही दूसरे काम शुरू कर देंगे वो वृथा है, यानी बेकार है, और व्यथा है, यानी वो कष्ट को बढ़ाने वाला है। जितने अंशों में कथा या नाम स्मरण या पूजा पाठ या जितने अंशों में, इसीलिए कहते हैं कि संसार के कार्यों में भी उसको भूलो मत। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यज। भगवान ने कहा 8वें अध्याय में, हम लोगों ने अभी अभी किया, भगवान ने समझाया अर्जुन को कि चूंकि तुम अंत में जो सोचोगे तुम्हारा वही हो जाएगा। अब बेचारा राजा भरत वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, पर देखिए कोई बात नहीं, उसका 2 जन्म का प्रतिबंध था, सावधान हो गया, भगवान ने उसको स्मृति दे रखी थी, हरिण जन्म में भी वो उसको याद रहा कि मैं राजा भरत था। तो राजा भरत की बात छोड़ दीजिए, जो सामान्य लोग हैं, तो राजा भरत तो ऋषभ देव जी के पुत्र थे, भगवान के साक्षात अवतार, उनके 9 भाई 9 योगेश्वर बन गए, पर ये बेचारा चपेट में आ गया। तो वो कथा हमको क्या सुना रही कि बहुत सावधान रहना है अंत में जो, क्योंकि राजा भरत की बात तो वो तो बहुत बहुत ऊंची कोटि के वो भक्त थे, पर हम और आप जब जाएंगे दूसरे पशु जन्म में तो हमको थोड़ी ध्यान में रहेगा कि हम क्या थे। इसलिए उस जन्म में तो हम कुछ साधना भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संत लोग बहुत बहुत, ये मनुष्य दुर्लभ जन्म मिला है,
उसको खोना नहीं चाहिए, उसमें ये सब बेकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और सब वृथा और व्यथा, आनंदमय माँ की उन शब्दों में ध्यान जाना चाहिए। तो इसलिए जहाँ कथा चल रही है ना, वहाँ तो हमारे पूर्व शंकराचार्य जी कहते हैं कि जहाँ प्रामाणिक सत्संग, प्रामाणिक सत्संग यानी जिस सत्संग से हम सीधे भगवान से जुड़ते हैं, उस कथावाचक से नहीं, वो कथावाचक हमको भगवान से जोड़ता है, वो प्रामाणिक कथा है। उस प्रामाणिक कथा के लिए पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं कि 1000 मील पैदल चल के भी जाना पड़े तो वो जाने योग्य है, यानी इतना दुर्लभ है ये सत्संग। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई चैनल पे सब सत्संग चल रहा है ना, वहाँ जाके क्या, उस संत के पास जाके क्या जरूरत है, हम तो यहाँ आराम से बैठे बैठे सब सुन लेते हैं। अरे वहाँ वो जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपने अपने जो संस्कार, अपना जो अज्ञान है वो हमको दे रहा है, हम तो पहले ही अज्ञान में हैं, है ना। इसलिए कठोपनिषद में यमराज ने स्पष्ट किया, स्पष्ट कहा नचिकेता को कि ये जो ज्ञान है वो अवर के द्वारा नहीं हो सकता, वो तो स्वयं जो अनुभव प्राप्त महात्मा हैं वो बोलेंगे तभी ये ज्ञान होगा। और हम लोग देखते हैं लतावधू जी का सुना कितना कितना असर होता है ना, महर्षि का पढ़ते हैं कितना असर होता है, क्योंकि ये पंक्तियाँ हमारा कल्याण करेंगी। ऐसे नहीं कि भाई हर किसी का सुन लिया, चैनल लगा दी, उससे तो और गलत संस्कार बन जाएंगे। हमारे पूरी शंकराचार्य जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि आज श्रोता का उत्तरदायित्व तो ज़्यादा है, वक्ता का उत्तरदायित्व तो नहीं है, उसको तो मंच मिल जाएगा, वो हमारे सूरत वाले कहते ही है, शर्मा जी दुनिया भर का मोबाइल का खंडन किया वक्ता ने, और जैसे ही उतरा और अपना मोबाइल के पीछे लगाया, अब उस व्यक्ति के वाक्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम देख भी रहे हैं ना उसका जीवन क्या है। जीवन जब हम देखते हैं, हमने देखा दत्तावधू जी यहाँ 6-7 दिन रहे, आपके यहाँ भी 2 बार आए, क्या गजब। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कथा है ना, ये जो सत्संग है, इसमें हमको छोड़ना नहीं है। सत्संग महाराज जी का इतना है ना, सुनते जाओ लिखते जाओ, लिख भी रही है हमारी, कह रही है कि अमेरिका में हमने 7 प्रवचन लिख दिए, तो कितनी बढ़िया बात है। वो सेवा जेठी, सतीश बाला जेठी का आशीर्वाद है इसको, है ना, तो जितना लिखेगी उसमें उसका कल्याण है। तो ये चीज़ें जो है ठाकुर जी हमको दे रहे हैं, पर हम लोगों को उसके लिए समय निकालना है, क्योंकि नहीं तो ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि जब विष्णु भगवान ने, अच्छा ये बात हो गई, दधीचि की अस्थि से वज्र बना और उस वज्र को लेकर इंद्र युद्ध भूमि में पहुँचे, उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते वृत्रासुर के हृदय में ऐसी भक्ति का उदय हुआ और उसने भक्ति भावापन्न हृदय से कुछ ऐसे उद्गार प्रकट किए जो अद्भुत हैं। अब इसमें 2 बातें हैं, एक तो वो जो चतुश्लोकी है वृत्रासुर की, वो कल के प्रश्न में आवेगी। इसके पूर्व वो जो इंद्र से कहता है उसको, उस प्रसंग को महर्षि आज ले रहे हैं। बाद में तो उसको मानो भगवान के दर्शन होने लगे और वो भगवान से बातें कर रहा है, वो चतुश्लोकी कल आवेगी, पर यहाँ इंद्र को क्या कह रहा है वो महर्षि कह रहे हैं। वह कहने लगा, हमारे आराध्य देव संकर्षण भगवान ने जैसे मुझे बताया है वैसे ही मैं उनके चरणारविंद में अपना मन लगाऊंगा। अब देखिए, वो असुर योनि में है पर पूर्व जन्म का उसको पूरा ध्यान आ गया, चित्रकेतु के रूप में है ना, मैं शंकर शरण भगवान का भक्त रहा, तो अब वो पूरी की पूरी भक्ति उसमें प्रकट हो गई। तो क्या कहा उसने, हमारे आराध्य देव शंकर्षण भगवान ने जैसे मुझे बताया है वैसे ही मैं उनके चरणारविंद में अपना मन लगाऊंगा। ये एक एक वाक्य हमको बता रहे हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। जब कष्ट में आए तो लगता है कि इस कष्ट को हटाओ कैसे भी करके, बाई हुक और क्रुक, जो पूर्व के संस्कार हैं, कुछ नहीं करना है,
महाराज ने कहा ना, एक व्रत ले लो कि कोई भी कुछ भी कष्ट आवे भगवान से ही मांगना है, भगवान से भी नहीं मांगना है, वो आगे की कक्षा है। पर महाराष्ट्र ने कहा कि अभी चूंकि मांगे बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि ऐसी हमारी स्थिति नहीं है जो कि उत्तम कोटि के अनन्य चेता की है, तो अनन्य चेता की कोटि में, उत्तम कोटि में जाना है, पर उसकी कक्षाएं हैं। तो प्रथम कक्षा क्या है, चूंकि अभी हमारी वो स्थिति नहीं है इसलिए मांगने का बनता है, और वो भी समझ में आता है कि भी उस व्यक्ति से हमने चर्चा कर लिया, उस व्यक्ति की सहायता ले ली, तो ये हमारा कष्ट टल जाएगा। अगर हमको अनन्य चेता बनना है तो महाराज से कहते हैं कि अब उस व्यक्ति से नहीं बात करनी है, भगवान से बात करनी है। भगवान चाहेंगे तो उस व्यक्ति को अपने आप भेजेंगे हमारे पास, तब भले बात कर लो, तब वो संकेत मिल जाएगा कि वो क्यों आया हमारे पास। महर्षि ने कहा एक जगह हम गए, हमारे पास पैसे तो नहीं थे, अब यात्रा तो आगे की थी, हम उठे, कभी पैसे का लेन देन उस व्यक्ति से नहीं हुआ, पर जैसे ही हम जाने लगे उसने हमको 20 रुपये दिए। हमने कहा कि ये क्यों, अब महर्षि ने उससे कुछ कहा भी नहीं कि भाई हमारी यात्रा आगे की यात्रा के लिए पैसा भी नहीं है, वो क्या कहता है, बोले हमको भगवान ने प्रेरणा दी। तो ये बातें हम अनुभव करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि भाई महात्माओं ने अनुभव किया और हम अनुभव नहीं कर सकते। एक संत ने, ब्रह्मचारी थे, गुरुशान जी ने उनको भागवत सुनाया था, हम भी थे उसमें भागवत में, उनको सुनाया था, मतलब उन्होंने कहा कि नर्मदा जी को सुनाओ, वो तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, तो यही उनके वाक्य थे कि नर्मदा जी को सुनाओ आप। तो वो कहते हैं कि जब मैं ब्रह्मचारी था तो मैंने सोचा कि तीर्थों की यात्रा की जाए, पर हमने एक संत को पूछा कि इस यात्रा में हमको कुछ अनुभव हो भगवान के, उसके लिए आप हमें बताइए कि क्या करना चाहिए। स्वामी ओंकारानंद जी करीब 11 ओंकारेश्वर के स्वामी रामानंद जी, तो 11 साल हो गए उनका शरीर पूरा हुए, पर महाराज के लीला स्मरण के बाद हमको उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली, उन्हीं के अज्ञातवास से हमको भी प्रेरणा मिली कि हमको भी अज्ञातवास करना चाहिए। तो उन्होंने बाद में सब कुछ छोड़ के अज्ञातवास में वो चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि संत ने हमको बताया कि दो काम करना, एक तो अपने पास पैसा मत रखना, तब तुमको भगवान के अनुभव होंगे। अभी मैंने महर्षि के बताया ना, यात्रा के लिए पैसा नहीं था, व्यक्ति दे रहा है। दूसरा कहा कि जहाँ भी रुको वहाँ अपना परिचय मत देना, क्योंकि उनके गुरुजी अभयानंद जी महाराज, उनकी काफ़ी प्रसिद्धि थी, तो जो रुकोगे और बताओगे कि हम महर्षि के शिष्य हैं तो महर्षि का सब जानते हैं, पूरे भारत में है ना, जितने भी आध्यात्मिक स्थान संस्थान हैं। तो इसी प्रकार उनको कहा गया कि अपने गुरुजी का परिचय मत देना, तब तुमको अनुभव होंगे। हमने भी अपने अज्ञातवास में ये किया, तो ये करना चाहिए, यानी जो चीज़ें जितना भी है सब करने के लिए, सिर्फ सुन के और उसको रखने के लिए नहीं है, जितना हम कर सकें। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारे आराध्य देव शंकरषण भगवान ने जैसे मुझे बताया है वैसे ही मैं उनके चरणारविंद में अपना मन लगाऊंगा। यानी अब इसको ये नहीं है कि भाई मैं हारू नहीं, मुझे जीतना ही, उसको पता भी लग गया ये दधी जी की हड्डी से ये वज्र बना है और उससे मुझे मरना है। देखिए आगे खुद कहेगा, ये शरीर कटकर गिर जाएगा और मैं अपने लोक में चला जाऊंगा। अब उसको डर नहीं है अपनी मौत का, क्यों, अपने लोक में चला जाऊंगा, यानी भगवान शंकरषण के पास पहुंच जाऊंगा। इसलिए महाराज ने एक पृष्ठ है आनंद रस रत्नाकर में कि मौत से कौन डरता है, बोले पापी लोग जो हैं वो डरते हैं। तो ये शंकरषण भगवान की पूर्ण कृपा रही पूर्व जन्म में, तो इसलिए इसको पता है ना कि अब ये जो है समय आ गया है, तो ये शरीर कटकर गिर जाएगा और मैं अपने लोक में चला जाऊँगा। अच्छा, अब
कुछ बातें ऐसी कही, वो महर्षि ने यहाँ विशेष रूप से इसका संकलन हमने किया है क्योंकि ये हमारे काम की है। संसार अथवा त्रिलोकी की भी संपत्ति, ध्यान से सुनिएगा, भगवान अपने भक्त को नहीं देते, क्योंकि जहां संपत्ति आती है वहां उसके साथ द्वेष, सात बातें गिनाई है महर्षि ने, द्वेष, उद्वेग, चिंता, अभिमान, कलह, दुख और परिश्रम अपने आप आते हैं। अब आगे महर्षि की टिप्पणी हम बाद में सुनेंगे, यहाँ रुक जाइएगा। यहाँ क्या कह रहा है वृत्रासुर? वृत्रासुर इतना ही कह रहा है कि संसार अथवा त्रिलोकी की भी संपत्ति भगवान अपने भक्त को नहीं देते, क्योंकि जहाँ संपत्ति आती है वहाँ उसके साथ द्वेष, उद्वेग, चिंता, अभिमान, कलह, दुख और परिश्रम अपने आप आते हैं। इस वाक्य को इस भाव में लीजिएगा कि भगवान जिनको संपत्ति देते हैं और स्वयं भी उस संपत्ति के साथ रहते हैं, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी क्या है? संपत्ति है। नारायण क्या है? हमको लक्ष्मी नारायण को साथ में रखना है। जब सिर्फ लक्ष्मी को रखते हैं तब वो उल्लू पे आती है ना? लक्ष्मी नारायण जो है वो गरुड़ पे आते हैं। तो इसलिए इस वाक्य का ये अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि भाई हमारे पास तो भगवान ने संपत्ति दे रखी है ना? तो इसका अर्थ ये है क्या कि ये सात चीज़ें जीवन में आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि नारायण जो है वो हमको पहले से ही बता रखा है कि संपत्ति का सदुपयोग कैसे करना है। इसलिए परम पूज्य महाराज से कहते थे कि जितने ये संपत्ति वाले हैं, अगर ये अपनी आय का 5% धर्मादि के लिए निकालते हैं तो उनके पास कष्ट नहीं आता, आता भी है तो कष्ट आके चला जाता है। और जो 10% अपने आय का निकालते हैं धर्म के कार्यों के लिए तो उनके पास कष्ट आता ही नहीं। 5 वाले के लिए कहा कि आता है पर चला जाता है, और 10% वालों के लिए तो वो कष्ट आता ही नहीं। बहुत से महर्षि के भक्तों ने, शिष्यों ने, विपिन चावला अमेरिका से आते हैं, जब से वो गया है और कमाई करने लगा, करीब करीब मुझे लगता है 32-33 साल हो गए, वो अपना 10% आश्रम में भेज देता है, डॉलर में भेजता है। यानी अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो अपना कल्याण कर रहा है, आश्रम का कल्याण नहीं कर रहा है। कल बहुत बढ़िया बात बताई, ये लोग जब वहाँ गए शंकराचार्य जी के दर्शन करने, बोले कि आप लोग जो देते हो उससे हम अपना भोग नहीं करते हैं। शंकराचार्य कोई अपने उपभोग के लिए कोई चीज़ नहीं ले रहा है, उनका तो काम ही यही है कि वही हित के लिए लगा देना है जो भी मिल रहा है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संपत्ति कौन सी, भगवान अपने भक्त को कौन सी संपत्ति नहीं देते जो कि उसका अहित करेगी। हम देख रहे हैं कि भाई विपिन चावला यहाँ है, यहाँ पर भी उसका काफ़ी काम है नोएडा में, अब वो समझ ही नहीं रहा है कि और देते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। बोले कि अब वो ऑफिस छोटी पड़ गई, अब उसको बड़ी, तो ये क्या है? क्योंकि महर्षि जान रहे हैं कि इसको अगर हम संपत्ति देंगे तो उसका वो सदुपयोग होगा। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि वो उस भक्त को नहीं देते जहाँ पर भगवान को लगता है कि भाई ये तो इन सातों चीज़ों में, तो वह भगवान का यही तरीका है। सुदामा को क्यों दिया? क्योंकि सुदामा को इसके अपेक्षा थी नहीं, वो तो सुशीला के कहने से चला गए, वो तो चले गए, उसको बिल्कुल नहीं था कि भाई भगवान हमको संपत्ति दे। सुशीला को था कि भाई आपके मित्र इतने है ना बड़े हैं तो हम तो भूखों मर रहे हैं, कम से कम उनका दर्शन तो करिए आओ, तो उस बहाने से वो चले गए।
अब देखिए अब लौट के आते हैं और सुदामापुरी, अब वो सुदामापुरी के क्या वैभव, उससे उनके भजन में कोई अंतर नहीं पड़ा। अच्छा आगे क्या रहे, अब महर्षि देखिए, महर्षि की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो वृत्रासुर की बात सच्ची है, सब लोग विचार के अनंतर इसको समझ सकते हैं, है ना? तो ये कब समझ में आता है, जब हम विचार करते हैं। पहले तो हम चाह रहे हैं कि संपत्ति आवे संपत्ति आवे, संपत्ति आ गई, है ना, भगवान को नहीं याद कर रहे हैं, संपत्ति आ गई। अब संपत्ति आ गई तो अपने साथ चीज़ें अपने साथ में लाई, तो इसलिए परम पूज्य महाराज से कह रहे हैं कि सब लोग विचार के अनंतर इसको समझ सकते हैं। जब वो कलह आवेगा, दुख आवेगा, चिंता आवेगी, उद्वेग आवेगा, द्वेष आवेगा, है ना, अभिमान आवेगा, कितने ये पैसे वाले, इनका अभिमान देखिए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए परम पूज्य महाराज से एक बहुत बढ़िया बात सुनाते थे, उड़िया बाबा जी महाराज के वहाँ ये बनना था, जिसमें आजकल श्रवणानंद जी रहते हैं, तो उसका नक्शा बना, तो महाराज जी ने वो नक्शा देखा तो बाबा को कहा कि बाबा ये नक्शा सेठ ने इस प्रकार बनवाया है, पर हमारी दृष्टि से तो ये ऐसे होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बाबा ने बहुत बढ़िया बात सुनाई, बोले बेटा, महाराज जी को कहा, कभी शंतनु कभी बेटा, शंतनु ये सेठ लोग बड़े अभिमानी होते हैं, इसलिए इनके करने कराने में कुछ बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो वो तो जेके वाले थे, बाबा के भगत थे, पर ये अभिमान तो आता ही आता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई सेठ भगत है तो अभिमानी नहीं है, बता रहे हैं। वो अभिमान कब नहीं आएगा, जब उसमें और भक्ति बढ़ेगी। अम्बरीश जो थे, राजा अम्बरीश, उनको भक्त माना गया है, हर किसी सेठ को हर किसी राजा को भक्त थोड़ी माना गया है ना, चक्र रक्षा करता था, तो ये तो रहते ही हैं सूक्ष्म रूप में, वो अपनी साधना से उसको हटाना पड़ेगा, हमको उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। अगर कोई संपत्ति वाला है और उसमें अभिमान नहीं है, बहुत बड़ी बात है, कमल या नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, पर कमल हमारे कमरे में बैठा था, नहीं सॉरी, हमारे राजेंद्र हमारे कमरे में बैठे थे, तो कमल वहाँ आए, और यहाँ के लोगों को तो काफ़ी ट्रेंड करना पड़ता है ना, यूपी के लोगों को, हमारे शर्मा जी ने कहा, पहले लुंगी पहन के ये सब करते थे, शर्मा जी ने हमको कहा कि आप इनको कहिए कि धोती तो पहने, ये लुंगी पहन के मुसलमानों के जैसे, है ना, लुंगी यानी धोती को वैसे पहनते हैं, आपने देखा होगा अपने आश्रम में भी। तो चलो हमने शर्मा जी के कहने से कह दिया, तो बहुत समय लगता है ट्रेंड करने में। राजन देखा कि कपड़े वगैरह जारी हैं, जरा कपड़े ठीक तरह से, तो डांट दिया। तो इसमें क्या है कि वो जो बैठे थे दूसरे हमारे से मिलने वाले, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि इस प्रकार से बेचारे को डांट लगा दी, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि इसमें भी बड़ा विवेक करना पड़ता है कि भाई हम जिस प्रकार से डांट रहे हैं, वो बेचारी रोने लगी, एक लड़की थी वो रोने लगी, डेंटिस्ट थी वो, हमसे मिलने आए थे वो, तो वहाँ बैठे थे, राजेंद्र भी था। तो कहने का अर्थ है कि ये अभिमान में हम ये नहीं देख रहे हैं, राजेंद्र में बहुत विनम्रता है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर ये सूक्ष्म में जो अभिमान रहता है उसमें हम भूल जाते हैं कि हमको कैसे किसको क्या कहना चाहिए। ये सिर्फ उसी की बात नहीं, हम सब की बात है, हम अपनी भी बात कह रहे हैं कि हमको कहाँ होश रहता है। तो ये अभिमान जो है वो क्यों है, लोग हमारा इतना सम्मान कर रहे हैं, हम स्वामी गोविंदानंद है ना, हम डांट देते हैं किसी को, पर वो गलत हो गया, वो डांटना, इसलिए महर्षि से एक बात सीखनी थी, वो देते थे संस्कार पर वो प्रेम से देते थे, उन्होंने डांटना उनके उनके मतलब प्रकृति में था ही नहीं। एक बहू ने बताया कि हमको तो आश्चर्य होता है स्वामी जी, बाद में लीला स्मरण के बाद में, कि महर्षि हमारे घर में आते थे और हमारी सास को
हम तो जो भी हमारी तकलीफें थी हम बता देते थे महाराज को, पर वो इस प्रकार प्यार से बोलते थे कि उसको सास को पता ही न लगे, है ना, कि उसको उसकी उसका दोष बताया जा रहा है। प्यार से बता देना तो बहुत बड़ी कला है, तो ये सीखना है। तो खैर, वो अपना प्रसंग ये है कि संपत्ति के साथ ये अभिमान जो शब्द है ना, ये आता ही आता है। इसलिए वो वृत्रासुर कह रहा है कि महर्षि समझा रहे हैं कि फिर भी ये बात जल्दी गले के नीचे नहीं उतरती कि संपत्ति के साथ इतने दुख आते हैं, क्योंकि मोटा मोटी हम देख रहे हैं, हम धार्मिक हैं, हम सबका कल्याण कर रहे हैं, लोग उपकार कर रहे हैं, पर हमारे छोटे छोटे दोष वो तो सामने वाला जानता है। हमारे दोष शर्मा जी को पता लगेंगे, हमको नहीं पता लगेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जो बताता है वो हमारा हितेशी है, वो जो छिपाता है वो हितेशी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब महर्षि आगे कह रहे हैं कि वृत्रासुर, अच्छा विचार के अनंतर तो समझ में आ जाएगा, फिर भी ये बात जल्दी गले के नीचे नहीं उतरती कि संपत्ति के साथ इतने दुख आते हैं। आज के पृष्ठ की मुख्य टिप्पणी महर्षि की ये जो है, इसी को मुझे हाईलाइट करना था, बाकी का प्रसंग आप जानते हैं। वृत्रासुर ने आगे कहा, हे इंद्र, हमारी स्वामी का ये स्वभाव है, भक्त ही ऐसा वाक्य बोल पाएगा, हे इंद्र, हमारे स्वामी का ये स्वभाव है कि जब कोई धर्म अर्थ अथवा भोग के लिए प्रयास करता है तब वे उसके प्रयास को निष्फल कर देते हैं। चार पुरुषार्थ में तीन वृत्रासुर गिना रहा है, धर्म अर्थ और काम, भोग यानी काम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ठाकुर जी करते क्या है, ये वाक्य हम सब लोगों के लिए है कि हमारा ठाकुर जी से प्रेम बना रहे, मोक्ष, वेदांत की भाषा में मोक्ष कहेंगे, भक्ति की भाषा में ठाकुर जी का प्रेम, भक्ति। तो जो भक्ति है ना, वो तो ठाकुर जी चाहेंगे कि हमारी बढ़े, पर जब कोई धर्म अर्थ अथवा भोग के लिए प्रयास करता है तब वे उसके प्रयास को निष्फल कर देते हैं। तो आप कहेंगे कि धर्म को क्यों गिनाए, तो धर्म में, धर्म का अर्थ होता है पुण्य, अधर्म का अर्थ होता है पाप। तो पुण्य जो है वो भी शास्त्रों में वर्णन आया है कि वो भी जन्म मरण के चक्र को नहीं खत्म करता है। पुण्य से हम स्वर्ग लोग जाएंगे, हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, हमको फिर जन्म ना पड़ेगा। तो ये भवरोग जो है, भवरोग यानी ये जो जन्म मरण का चक्र है, उसको धर्म भी नहीं मिटा सकता, उसको तो भगवान की भक्ति अथवा वेदांत विचार ही मिटा सकता। तो इसलिए कह रहा है वृत्रासुर ने आगे कहा कि हे इंद्र, हमारे स्वामी का ये स्वभाव है कि जब कोई धर्म अर्थ अथवा भोग के लिए प्रयास करता है, तो इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि पुण्य हमको बंद कर देने चाहिए। पुण्य का जो पर्यवसान है वो पर्यवसान है भगवत प्रेम में। पुण्य हमको कहाँ ले जाएगा, पुण्य करेंगे तभी वो वेदांत विचार हमारा सफल होगा। पापी का अभी बताया ना महाराज ने, मृत्यु से कौन डरते हैं, पापी लोग, पुण्यात्मा नहीं डरता। अभी वृत्रासुर कहाँ डर रहा है, तो ये पुण्यात्मा था। तो इसलिए धर्म को जब गिना रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अब हमको पुण्य करने की क्या जरूरत है। बहुत ध्यान से, इसलिए जितने शास्त्र हैं ये गुरुगम्य हैं, ये मनमानी पढ़ के अब हमको समझ में नहीं आवेंगे। ये ब्रह्म विद्या कहिए, शास्त्र कहिए, ये गुरु से इसको जहाँ भी हमारे मन में प्रश्न आवे उसका समाधान लेना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों लिखा है। हे इंद्र, आगे का वाक्य और अद्भुत है, हे इंद्र, भगवान तुमको ऐश्वर्य इसलिए देंगे कि तुम पराये हो, और मुझसे ऐश्वर्य इसलिए छीन लेंगे कि मैं उनका अपना हूँ। ये हम लोगों में पक्की निष्ठा रहनी चाहिए, इसलिए ये वाक्य सुनाए जा रहे हैं। वृत्रासुर की निष्ठा थी वो अलग बात है, पर हम ऐसी निष्ठा बनावें इसके लिए आज का पृष्ठ है।
भगवान का मेरे प्रति जो प्रेम है उसको मैं पहचानता हूँ। अब महर्षि अंत में कह रहे हैं कि देखो वृत्रासुर के कथन में कितनी दृढ़ता है, कितना भगवद विश्वास है। यदि ऐसी दृढ़ता, ऐसा भगवद विश्वास लोगों के हृदय में आ जाए तो कितना अच्छा है। यानी महाराज भी चाहते हैं कि हम लोगों के हृदय में आ जाए नारायण 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 श्री राम।